मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम लोग वहां संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली पर सुंदरीकरण का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस स्थान के सुंदरीकरण के लिए एक अच्छी कार्य योजना बनाकर मुझे भेजें, जिससे यहाँ संत रविदास जी की स्मृतियों को संजोया जा सके। यह बातें उन्होंने राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित संत रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कही। साथ ही संत रविदास जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि शुद्धि मन से की गई साधना प्रतिफलित होती है। मन चंगा कठौती में गंगा कहने वाले महान संत रविदास इसके सबसे बड़े उदाहरण है। अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, आदमी तो आदमी होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है, कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर भारत के सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी थी। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय मनीषा में धर्म को कर्तव्य माना गया है। संत रविदास जी उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। रविदास जी नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन काम ज्यादा होने के कारण वो स्नान करने नहीं जा सके। उन्होंने अपने मित्र को एक आना देकर गंगा में चढ़ाने को दिया। मित्र स्नान के पश्चात दान चढ़ाने के बाद रविदास जी के द्वारा दिए गए दान को चढ़ाया तो नदी में से हाथ बाहर आया। उन्होंने ये बात संत रविदास जी को जाकर बताई और पूछा कि मैंने भी दान किया लेकिन वो तो नदी में बह गया, पर आपका दान लेने स्वयं गंगा में आई। तो संत रविदास जी ने ये शब्द कहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतकरण का भाव होता है। अगर हम अंतकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में प्राप्त होगा। अगर अंतकरण से कलुषित हैं तो हमें कभी भी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा। संत रविदास जी ने पूरे जीवन पर्यंत समाज के तमाम रूढ़िगत पाखंडों का सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को मजबूती देने का काम किया। उन्होंने समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि संत रविदास सेवा समिति विगत 83 वर्षों से अपने सीमित साधनों से संत रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। सनातन हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार कर रही है। एकदम ठीक है, माला पहना मोमबत्ती उसको देखो उसको ओजस्वी मुख्यमंत्री जी आज समस्त होंगे। लगा दीजिए संत श्रोमण गुरु रविदास की, संत श्रोमण गुरु रविदास की, संत श्रोमण गुरु रविदास की, लोना माता की, लोना माता की, कर्मा माता की, कर्मा माता की, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, संत समाज की, संत समाज की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है अपना स्थान ग्रहण कर ले रहे और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पढ़ा चुके हैं। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संत रविदास सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों आज से 6
645 वर्ष पूर्व एक मसीहा इस धरती पे जन्म लिया जिनका नाम संत श्रवण गुरु रविदास पड़ा। और ये आगे चलकर एक विद्वता के बल पे एक गरीब दलित परिवार के घर जन्म लेने के बाद ही अपनी विद्वता योग्यता को समाज के सामने स्थापित किया। उस समय जब समाज में बड़ी बड़ी कुरीतियां थी, आडंबर, अंधविश्वास जैसी बुराइयां समाज में व्याप्त, उसको दूर करने के लिए संत श्रवण गुरु रविदास जी ने एक अभियान के तौर पर समाज को जगाने का काम किया, समाज को उठाने का काम किया। और ये एक ही समाज में पूरे सब समाज के संत रहे हैं। और इनका जो है जो बाड़ी है वो बाड़ी आज घर घर में लोगों के दिलों में गूंजती रहती है। लोग साथियों, ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर हम आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि आज इस फॉरम पर हमारे बीच में प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी आ चुके हैं। और ऐसे में हम उनके आशीष वचन को सुनेंगे, उसमें माल्यार्पण करने का कार्य करेंगे। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की। अब हमारे वो माल्यार्पण करने की कृपा करें। हमारे बीच में हमारे शक्ति मंत्री जी महेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे समिति का प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की। अधिक समय हम चाहेंगे कि हमें उनके आशीष वचन सुनने को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच में सादर आमंत्रित करते हैं। संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की। धन्यवाद। संत रविदास सेवा समिति संत रविदास जी की पावन जयंती इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मठ के पुजारी बाबा बराती नंद जी महाराज, समिति के अध्यक्ष श्री राम खिलावन जी, संतोष कुमार कोविन जी, श्री राम खिलावन गौतम जी, वीरेंद्र कुमार जी, जियालाल कुरिन जी, बसंतलाल जी, चंद्रशेखर जी, मास्टर हीरालाल जी, श्रीमती रेखा कुरिन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के यहाँ के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे
संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व तो इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए चलते हैं। तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि देखो मुझे आज समय नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है और अच्छा होगा कि तुम गंगा स्नान कर लो और मेरी तरफ से एक आना ये गंगा मैया को चढ़ा देना। वह व्यक्ति जो सहयोगी संत था वह गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद अपनी ओर से दान पुण्य जो करना था करने के बाद जैसे बाहर आया, बाहर आकर के चलने के लिए प्रस्थान किया, उसे समझ में आया कि भाई मैंने तो गंगा मैया को अपनी ओर से जो अर्पण करना था कर दिया, लेकिन संत रविदास की ओर से भी मैंने कुछ अर्पण नहीं किया, उन्होंने मुझे एक कहा दिया मैं इसको भी चढ़ा देता हूं। और जैसे संत रविदास जी के नाम पर उन्होंने गंगा मैया को आना चढ़ाया तो पता लगा कि एक हाथ स्वयं बाहर की ओर आता है और संत रविदास जी के द्वारा दिए गए उस दक्षिणा को स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वे संत रविदास जी के पास आगे पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि मैंने भी दान किया लेकिन उसको तो गंगा जी में ऐसे चला गया बह गया, लेकिन जो हाथ जो दान आपने दिया था वो दान गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया है। तो उस समय तब संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतःकरण की के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया जो हम सब की सुरक्षा, हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर संत रविदास सेवा समिति
जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि समिति 1938 से काम कर रही है, अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इनसे सुरेश जी से कहूंगा कि यहाँ की एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, इस स्थान की सुंदरीकरण की एक अच्छी योजना बना करके भेजे, जिससे यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को, जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था और विगत आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार यह समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है, सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज यहाँ पर मुझे आकर के आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहाँ के जो पुजारी हैं बाबा बराती नंद जी महाराज को, अध्यक्ष राम खेलावन जी को और उनके टीम के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। संत रविदास जी की हृदय से आप सबको के प्रति मंगलमय कामनाएं करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस महान संत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करके हम सब अपने देश और अपने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।